तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अल्फा मैप। इसका काम इतना ही है कि ये किसी भी 3D सॉफ्टवेयर को जा करके ये बताता है कि जो इमेज टेक्सचर यूज किया हुआ है उसका कौन सा पार्ट विजिबल रहेगा, कौन सा पार्ट विजिबल नहीं रहेगा। मतलब सिंपल है, आपने कोई एक इमेज टेक्सचर यूज किया हुआ है, उसी इमेज टेक्सचर का आप एक अल्फा मैप बना रहे हैं। उस अल्फा मैप में आप ये बता रहे हैं कि जो व्हाइट वाला पार्ट है वो विजिबल रहता है और जो ब्लैक वाला पार्ट है वो इनविजिबल रहने वाला है। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको बनाना काफी इजी है। फोटोशॉप जो यूज करते हैं उनको पता ही होगा कि किसी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करते हैं। तो बस आपको उस पार्ट को व्हाइट कर देना है जिस पार्ट को आपको विजिबल करना है, और उस पार्ट को ब्लैक रखना है जिस पार्ट को आपको इनविजिबल रखना है। तो फटाफट इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, तो नन्ना मुन्ना सा काम था, हो गया 2 मिनट में। अब देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। ये हमारा ब्लेंडर, और इसमें हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक प्लेन। अब इसी प्लेन के ऊपर वो जो टेक्सचर है उसको यूज करेंगे। डायरेक्ट अल्फा मैप यूज नहीं होने वाला है, इसके साथ हमें उसी का कलर मैप यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक न्यू शेडर ले ले रहे हैं और एक इमेज टेक्सचर ले लेते हैं। तो इस वाले इमेज टेक्सचर में हमने जो कलर मैप है वो लिया हुआ है, और इस वाले इमेज टेक्सचर पर जो अल्फा मैप है, जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज था, वो मैंने ले लिया है। तो ये वाले बेस कलर को बेस कलर में अटैच कर देते हैं। अभी देखते हैं कि ये शेडर शेडर मोड में मोड कट 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 तो दोनों मैप मैंने ले लिया है। अब जो बेस कलर है उसको इस वाले कलर वाले मैप से अटैच कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो शटर मोड है उसको ऑन करके देखते हैं। तो ये अपना जो इमेज था, ब्लैक वाला इमेज प्लस पीछे जो व्हाइट बैकग्राउंड था, वो आ गया है। ठीक है, सिंपल है, कोई तो बहुत बड़ा बात है नहीं। अब जो हमारा जो ब्लैक एंड व्हाइट था, इसी इमेज का जो हमने ब्लैक एंड व्हाइट बनाया था, उसको उसके कलर वाले पार्ट को अल्फा से अटैच कर। अब ये क्या हुआ, ये पीछे वाला जो व्हाइट बैकग्राउंड था वो ब्लैक हो गया है, और साइड साइड आप देख रहे होंगे व्हाइट व्हाइट पार्ट दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए मैजिक अभी होने वाली है। के मटेरियल के सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ से इस यहाँ पर आपको सेटिंग दिख रहा होगा, और ये वाला पार्ट जो आपको ब्लेंड मोड दिख रहा है यहाँ पर ओपेक है, इसमें सारे पार्ट दिखने वाला है। इसको यहाँ पर अल्फा क्लिप कर देंगे, और अल्फा क्लिक करेंगे, ये देखिए क्या हो गया, हमें सिर्फ और सिर्फ लीफ का ही पार्ट दिख रहा है। बट जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा एक प्लेन दिखेगा, लेकिन जब डिसलेक्ट करेंगे तो आपको ये सिर्फ लीफ का पार्ट दिखेगा। ठीक है, इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपने जो इमेज डाला है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कुछ अलग शेप देना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको इसके वर्टेक्स को पकड़ करके आप जिस तरीके से आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और एक अलग सा आप इसको शेप भी दे सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्फा मैप को किस तरीके से यूज़ करते हैं, खासतौर पे ब्लेंडर पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में तो इतना ही है। आपको अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। और थोड़ी सी दिलदारी दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी है सब कीजिए, बट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसके ऊपर नया वीडियो नया टॉपिक पर बनाया जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।